हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं प्योर स्टेनलेस स्टील के डिनर सेट के बारे में, जो कि नीलम की तरफ से आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो डिनर सेट आपको मिल रहा है, इसमें मिलेगी आपको लेजर प्रिंटिंग की इचिंग। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बेहतर क्वालिटी का डिनर सेट लेना चाह रहे हैं, जिसकी स्टील सबसे ज्यादा टॉप क्वालिटी की हो और साथ ही साथ काफी अच्छी क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छे साइज का डिनर सेट मिल सके, तो 55 पीस का यह डिनर सेट आज आप रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर इस डिनर सेट की बात करते हैं तो ये आपको 55 इसका मिलता है, नीलम की तरफ से आता है। और भी बहुत सारी डिटेल्स आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक करके इसके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाएंगे, कंप्लीट डिटेल बताएंगे। और साथ ही साथ अगर ये डिनर सेट अगर आप परचेज करना चाहते हैं, अगर आपको बेहतर लगता है, तो इसी वीडियो के नीचे यहां पे एक बाय लिंक दिया है, जहां से आप ये डिनर सेट 20% डिस्काउंट में ऑल इंडिया परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं और उसके बाद टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले इसकी जितनी भी चीजें हैं उसको पहले आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको यहीं पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ, यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर मिल जाता है, जो कि दो यहाँ पे दिए हुए हैं। बहुत ही कॉमन चीज है ये, बट ये सॉल्ट एंड पेपर भी आपको यहीं पे मिलता है। नॉर्मल डिनर सेट में 51 पीसेस आते हैं, बट इसमें आपको 55 पीस देखने को मिलेंगे। अब एक एक करके इसके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको दिखाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें सबसे पहले ग्लासेस दिखाते हैं। ग्लास की कुछ इस टाइप से बॉक्स पैकेजिंग आती है, जो कि आपको डिनर सेट के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले इसके ग्लास को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे ग्लास ये मिलेंगे आपको, इसको जरा साइड में रख लेते हैं और उसके बाद ग्लासेस दिखाते हैं। तो अगर ग्लासेस की बात करी जाए तो यहाँ पे 6 पीस ग्लास मिलेंगे, जो कि मीडियम रेंज में आते हैं। और यहाँ पे ग्लास की क्वालिटी ये रही, यहाँ पे आपको प्रॉपर लेजर फिनिशिंग देखने को मिलेगी। ये फिनिशिंग जाती नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर लेजर फिनिशिंग होती है। नीचे की तरफ से नीलम की मार्किंग मिल जाएगी और ग्लास का जो शेप दिया हुआ है, टेक्सचर दिया हुआ है, ये डिनर सेट के हिसाब से काफी बेहतर है। तो इस ग्लास को भी जरा इधर साइड में रख लेते हैं, उसके बाद और भी चीजें आपको दिखाते हैं। इसके बाद आपको मिल जाते हैं स्पून्स, जिसमें आपको टोटल मिलती हैं 12 स्पून्स, 6 ये स्पून्स मिलेंगी और इसमें भी आपको लेजर फिनिशिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर लेजर फिनिशिंग देखने को मिलेगी। तो इसको भी जरा यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे भी आपको ये देखिए लेजर फिनिशिंग देखने को मिलेंगी। तो टोटल 12 स्पून्स आपको मिल जाती हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं ये तीन तरीके की सर्विंग स्पून्स, जो कि आपके तीन डोंगे, यहाँ पे जो डोंगे रखे हैं उसके साथ चलेगा। और एक आपको राइस स्पून मिल जाती है बिग साइज की, जो आपके राइस प्लेट के साथ चलेगी। तो ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का दिया है और इन सब में भी आपको यहाँ पे लेजर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। क्वालिटी काफी लाजवाब है, गेज काफी अच्छा है और बाकी चीजें अभी और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ग्लासेस हो गए हैं, ग्लासेस अगर हो गए हैं तो उसके बाद पहले जग को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे जग की अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं आपको और भी प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे अगर जग की टेक्सचर की बात करते हैं तो काफी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही साथ थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी आपको लेजर फिनिशिंग देखने को इसमें जरूर मिलेगी। तो इसको भी जरा यहाँ पे रख लेते हैं पीछे की तरफ और अब एक एक करके बाकी चीजें अनबॉक्स करते हैं। इसके बाद बाउल्स इसमें दो तरीके के मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे 6 हलवा बाउल। हलवा बाउल जो होते हैं वो छिछले बाउल होते हैं, बहुत गहरे नहीं होते। उसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, हलवा बाउल भी एक बार आपको दिखा देता हूँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हलवा बाउल का जो शेप और डिजाइन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। यहाँ पे भी लेजर एचिंग दी हुई है, नीचे की तरफ से आपको नीलम की मार्किंग दी हुई है। अच्छा, नीलम की क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, पॉलिशिंग बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत जमाने से ये ब्रांड स्टील में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और इसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो आपको पहले फुल प्लेट दिखा देता हूं। काफ़ी लोगों को फुल प्लेट बहुत ज़रूरी होती है देखना, तो यहां पे अब आपके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अनबॉक्स करने वाला हूं। अब करूंगा अनबॉक्स इसकी फुल प्लेट्स। फुल प्लेट मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी देखने में, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी देखा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है। मतलब लगभग ये वाला जो डिनर सेट है आपको इस समय 20% ऑफ में मिल रहा है। जनरली 10-15% ऑफ होता है, बट इस समय आपको ये 20% डिस्काउंट में मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में है। और इसकी अगर आप जो क्वालिटी देखोगे ना, तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि काफ़ी बेहतर क्वालिटी में ये आपको देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी फुल प्लेट देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये इसकी फुल प्लेट है, जिसमें आपको लेजर इचिंग मिलती है, काफ़ी अच्छी और डिसेंट क्वालिटी की यहाँ पे मिल जाती है। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पे नीलम की मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। अगर इसकी डाई की बात करता हूँ तो इतनी सुंदर डाई होती है कि किसी भी डाइनिंग टेबल पे आप रखिए तो प्लेट इधर से उधर मूव नहीं करती, बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक के बिल्कुल आपकी डाइनिंग टेबल पे ये रखती है। और इसमें भी आपको ये देखिए लेजर फिनिशिंग बहुत सुंदर और बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ये भी आपको 6 पीस मिलेंगे और इसी के साथ साथ इसी सिमिलर फिनिशिंग की आपको क्वार्टर प्लेट्स भी मिलती हैं। तो जल्दी से पहले क्वार्टर प्लेट भी आपको दिखा देते हैं और फिर उसके बाद अनबॉक्स करेंगे इसका सबसे स्पेशल आइटम, जो कि इसके डोंगे होते हैं। जनरली डिनर सेट में उस टाइप के डोंगे नहीं आते, तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिएगा, क्वार्टर प्लेट देख लीजिए, उसके बाद आपको डोंगा भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसकी क्वार्टर प्लेट भी अनबॉक्स कर लेते हैं।
अच्छा इसकी सारी जितनी भी यहाँ पे ये वाली जो बॉक्स पैकेजिंग दी है सब में नीलम की मार्किंग दी है और काफी स्टैंडर्ड पैकिंग इन्होंने दे रखी है जो कि मुझे देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है और ऑब्वियस सी बात है लगता है कि कोई ब्रांडेड गुड्स हम परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वार्टर प्लेट आपको दी हुई है, ये क्वार्टर प्लेट का साइज ये दिया हुआ है, जनरली जो स्मॉल साइज होते हैं वही क्वार्टर प्लेट में आती है। तो यहाँ पे ये क्वार्टर प्लेट है और फुल प्लेट है दोनों के, एक बार मैं ये देखिए ये साइज आपको मिलता है फुल प्लेट में, कंप्लीट फुल प्लेट मिलती है, क्वार्टर प्लेट में क्वार्टर प्लेट का साइज मिलता है। तो ये साइज डिफरेंस आपको मिलेगा फुल प्लेट और क्वार्टर प्लेट में। और आपको मैं बता दूं इसका जो एक कह सकते हैं वजन और जो आपको क्वालिटी मिल रही है वर्ल्ड क्लास है, मतलब ये भी नहीं कहूंगा कि इसको आप किसी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं, ये काफी बेहतर क्वालिटी की आपको मिलती है लेजर इचिंग में। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट अभी एक चीज और बची हुई है, चलिए उसको भी करता हूँ फिर इसको करता हूँ अनबॉक्स, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत भी लगेगी क्योंकि यहाँ पे जो डोंगे दिए हुए हैं उसको थोड़ा सा इंस्टॉल करके भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं, काफी हेवी टेक्सचर की इसमें राइस प्लेट दी हुई है। राइस प्लेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये देखिए कंप्लीट आपको काफी हेवी टेक्सचर की दी हुई है और ये देखिए लेजर इचिंग इसकी, और साइड में कंप्लीट बिडिंग आपको देखने को मिल जाती है, ये साइड में सारी बिडिंग आपको देखने को मिलेगी, नीचे की तरफ से नीलम की मार्किंग आपको देखने को मिलती है। तो काफी ज्यादा बेहतरीन डिजाइन और क्वालिटी का आपको डिनर सेट मिल रहा है 20% डिस्काउंट में नीलम का ऑल इंडिया के लिए। तो एक परेशानी तो आपकी दूर हो गई है कि अगर क्वालिटी वाला अगर डिनर सेट आपको लेना है नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग तो अभी कुछ चीजें ऐसी है ना कि आप रुक जाइए बस। अब यहाँ पे जरा कटोरियां और दिखा देता हूँ, अब आप लोग वही डाउट में होंगे कि भैया कटोरियां तो सिर्फ पतली वाली हैं, मतलब ये है हलवा कटोरियां ही हैं, इसमें डीप कटोरियां नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इसमें 6 पीस की आपको डीप कटोरी भी मिलती हैं जो कि ये रही। अब ये भी आपको 6 पीस मिलती हैं, मतलब एक प्लेट के साथ एक फुल प्लेट के साथ दो कटोरियां यहाँ पे जाएंगी, जिसमें एक ये कटोरी मिलेगी एक ये कटोरी मिलेगी। और साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज़ है इन्होंने जो डिज़ाइन दिया है वो सब में हर एक स्पून में हर एक आपको हर चीज़ में दे रखी है। अब यहाँ पे बारी आती है डोंगे की, तो डोंगे को जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना के थोड़ा सा इसमें फोकस करना जरूरी हो जाता है क्योंकि डोंगा काफ़ी अच्छे डिज़ाइन और शेप में दिया हुआ है। तो जल्दी से पहले आपको इसको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 3 नॉब देखने को मिलेंगे, इसको भी खोलता चला जाता हूँ क्योंकि पूरा डोंगा आपके सामने दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जनरली आपको नहीं मिलता है डिनर सेट्स में। तो जल्दी से पहले इसको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये नॉब होती है, नॉब की क्वालिटी भी अच्छी है। तो चलिए एक बार आपको डोंगे के साइजेस अगर मैं अंदाजे से बताऊं तो यहाँ पे आपको ये मिलता है लगभग 750 ml का, यहाँ पे मिलता है 1 लीटर का, यहाँ पे लिखता है मिलता है 1.5 लीटर के आसपास में, आसपास की बात बता रहा हूँ, मतलब ये जो साइजेस दिए काफी बेहतर और बहुत अट्रैक्टिव साइजेस हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप डिनर सेट की बात करते हैं और आपको हैवी बॉटम डोंगे मिल जाते हैं तो उससे बेहतर कोई भी चीज नहीं हो सकती है। यहाँ पे आपको देखिए हैवी बॉटम देखने को मिलेगा ये डोंगा, जैसे कि हम लोग नॉर्मल अनबॉक्सिंग करते हैं हैवी बॉटम में, तो अगर सिर्फ इसकी अलग से कॉस्टिंग की बात करता हूँ ना तो काफी महंगे आते हैं इस टाइप के डोंगे। साइड में आपको स्टील हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि काफी सुंदर और अट्रैक्टिव लगते हैं, और यहाँ पे मिलेगी लेजर फिनिशिंग आपको, तो काफी अच्छे और अट्रैक्टिव डिजाइन में दिया हुआ है। तो तीनों डोंगों को एक एक करके पहले मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ जिससे आपको एक बार डिजाइन का भी एक अंदाजा लग सके। यहाँ पे ये दो हैं और ये आपका तीसरा डोंगा है जो कि काफी बड़ी और अच्छी क्वालिटी में आपको ये मिलता है। तो यहाँ पे ये 3 डोंगे आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके सामने ये रहे। अब यहाँ पे ये जो 3 डोंगे आपको देखने को मिल रहे हैं, अब इसके आपको लिड भी मिल जाएंगे जो ढक्कन होते हैं। एक बार और मैं फोकस कर लेता हूँ, मेरा मन करता है कि आपको सारी चीजें और भी ढंग से और बेहतर तरीके से दिखा दी जाए जिससे आपके लिए आसानी हो जाए चीजों को परचेज करना। तो यहाँ पे ये वाला जो डोंगे मिलते हैं ये 3 साइजेस के हैं, इसमें आपको यहाँ पे लिड मिलेगी। अगर आपको इस टाइप की लिड मिलती है इसको पहले तो यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, और उसके बाद एक ही डोंगे में मैं लिड लगा के दिखा देता हूँ। जैसे स्मॉल साइज के हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा होल जिसमें कभी भी अगर आप इसमें कुक एंड सर्व स्टोर करेंगे, तीनों पर्पसेस के लिए ये यूज हो सकता है, आपकी रेगुलर कुकिंग के में यूज हो सकता है, स्टोरेज में यूज हो सकता है, और सर्विंग में तो ऑब्वियसली यूज होगा ही होगा। और यहाँ पे एक नॉब लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये इसका देखने में क्या लुक आएगा। तो एक एक करके फिर से मैं बता दूंगा, ये वाला जो डिनर सेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अवेलेबल है, यहाँ नीचे बाय लिंक आपको मिल जाएगा जहां से आप ये डिनर सेट परचेज कर सकते हैं। इसकी जो MRP दी है 8290 दी हुई है जो 20% डिस्काउंट पे लगभग 6000 समथिंग का पड़ रहा है, जो कि काफी अच्छी और बेहतर डील है अगर आप बेस्ट क्वालिटी का ऑल इंडिया एक डिनर सेट लेना चाह रहे हैं। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 10-20 साल
दूसरा डिनर सेट आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका भी अगर आप टेक्सचर देखेंगे इसकी लिड का, वो भी आपको काफी अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। और प्योर स्टेनलेस स्टील है तो ऑब्वियस सी बात है ये डोंगा इंडक्शन कंपैटिबल भी होता है, हैवी बॉटम भी है, तो इस टाइप का लुक आएगा इसके कंप्लीट डोंगे का। तो डोंगा भी इसमें आपको कंप्लीट बेहतर क्वालिटी का मिल रहा है मेरे हिसाब से। तो अगर आप एक डिनर सेट लेना चाह रहे हैं नीलम का, ऑनलाइन अवेलेबल जो है, तो उसमें क्वालिटी को लेके कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जो कि जनरली इश्यूज ऑनलाइन परचेजिंग में आते हैं। और यहाँ पे प्राइसिंग को लेके भी काफी अट्रैक्टिव है, जिसमें आपको डीप कटोरियां मिलती हैं, हलवा कटोरी मिलती है, 6 पीस बढ़िया से ग्लासेस मिलते हैं, साथ ही साथ 12 पीस स्पून मिलते हैं, और यहाँ पे 3 सर्विंग स्पून के साथ एक राइस स्पून मिलती है, सब में लेजर इचिंग दी हुई है, साथ ही साथ एक जग मिल जाता है आपको प्रॉपर अच्छे डिजाइन का। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक काफी भारी भरकम आपको ये मिल जाती है राइस ट्रे, और उसके बाद आपको ऑब्वियस सी बात है एक फुल प्लेट मिलती है, और यहाँ पे क्वार्टर प्लेट मिल जाती है। लगभग 55 पीस का ये डिनर सेट काफी अट्रैक्टिव है, और उन लोगों के लिए है जो कि बेहतर चीजें परचेज करना चाहते हैं और हेल्दी यूटेंसिल लेना चाहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसी तरीके से हमारे जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।